Hey guys, what's up? So, last to last year, मैंने bulking करने का decide किया था और bulking के phase में मैंने दबा कर खाया और दबा कर workout किया। But मैंने एक mistake किया कि मैंने dirty bulking किया। Dirty bulking यानी मैंने सिर्फ clean food ही नहीं खाया, दबा कर junk foods भी खाया, जिससे muscle तो gain हुआ ही, but उससे ज़्यादा fat gain हुआ। और इसके वजह से मैं मोटा हो गया हूँ। और last year से मैं cutting करने का try कर रहा हूँ, but बहुत सारे reasons की वजह से और bad eating habits की वजह से मेरी diet बीच में break हो जा रही थी, जिसके वजह से मेरा fat loss नहीं हो पा रहा था। I know, मैं आपको बस एक एक्सक्यूज दे रहा हूँ, बट मैंने डिसाइड किया है कि आज से अगले 6 मंथ तक मैं सारे काम को साइड में रखूंगा और फुल्ली अपने ट्रांसफॉर्मेशन एंड लुक्स मैक्सिंग पे फोकस करूंगा। और इस जर्नी में मैं चाहता हूँ कि आप भी ज्वाइन करो, इसलिए आज मैं आपको वो 5 लुक्स मैक्सिंग टिप्स बताऊंगा जिससे एक लड़के का लुक्स मैक्सिंग होता है। और यूट्यूब पे लुक्स मैक्सिंग पर हजारों वीडियो बन चुकी है जिसमें वो 10 तरह की चीजें बता रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, लुक्स मैक्सिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बहुत ही इजी स्टेप है। अगर आप सिर्फ 5 चीजों पर कंसिस्टेंट होकर फोकस कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना लुक्स मैक्सिंग इजीली कर लोगे। सो लुक्स मैक्सिंग में पहली चीज पर जिस पे आपको फोकस करना है वो है बॉडी मैक्सिंग। बॉडी मैक्सिंग में 2 चीजें कवर होती है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज और आपका बॉडी पोस्चर। लुक्स मैक्सिंग में 50% रोल बॉडी मैक्सिंग का होता है, क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी बॉडी हो तो हर कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगेंगे और आपका जॉ लाइन शार्प रहेगा, फेस ग्लो करेगा और आप अट्रैक्टिव दिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हम लड़के 10% to 15% बॉडी फैट परसेंटेज में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और फिट रहते हैं। 10% बॉडी फैट यानी आपका 6 पैक्स क्लियरली विजिबल है और 15% बॉडी फैट यानी आपके ऊपर के 2 एब्स क्लियरली विजिबल है। तो अगर आप इस बॉडी फैट परसेंटेज रेंज पे हो तो आप बाकी लड़कों से ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। और अगर आप इस रेंज में नहीं हो तो आप भी मेरे साथ 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करो। और अगर आप बहुत पतले हो तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना, और अगर आप मेरे तरह मोटे हो तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना। और मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरी, ये सब चीज अगर आप YouTube पे सर्च करोगे आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी। बट आप चाहे मोटे हो या पतले, आप अपने प्रोटीन इंटेक को 1 टू 1.5 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट रखना। इससे हमारा ऑर्गन्स भी सही रहेगा और हमारा मसल भी बिल्ड होगा। इसी के साथ वीक में 4 से 5 बार जिम जाकर वेट ट्रेनिंग करना, क्योंकि इससे आपका मसल बिल्ड होगा और आपका शोल्डर एंड बैक ब्रॉड होगा, जिससे आपकी बॉडी एक वी टेपर लुक अचीव करे। और वी टेपर लुक हम लड़कों को सबसे ज्यादा मैस्कुलिन एंड मैनली दिखाता है। और रही बात बॉडी के पोस्चर की, तो कभी भी नीचे देखकर शोल्डर को झुकाकर वॉक मत करना, हमेशा चेस्ट एंड शोल्डर को अप करके वॉक करना और लोगों की आंखों में देखकर वॉक करना। और जब भी कहीं पे बैठना तो पैरों को क्लोज करके मत बैठना, थोड़ा सा पैर स्प्रेड करके बैठना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी पोस्चर से आपका कॉन्फिडेंस डिफाइन होता है। दूसरा टिप है हेयर मैक्सिंग। हेयर मैक्सिंग में भी 2 चीजें कवर होती है, पहला है हेल्दी हेयर और दूसरा है परफेक्ट हेयर स्टाइल। और हेयर स्टाइल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीक एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, बट अभी के लिए अगर शॉर्ट में बताऊं तो बस कट, क्रू कट, साइड पार्ट, पॉम्पाडोर, स्लीक बैक एंड कर्ल्स विद साइड फेडेड, ये 6 हेयर स्टाइल हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करवा लेना। बट हेयर स्टाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी हेयर, क्योंकि अगर हेयर हेल्दी ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हेयर स्टाइल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हेल्दी हेयर के लिए वीक में 2 बार शैम्पू करना, फिर उसके बाद कंडीशनर लगाना, और वीक में 1 बार हेयर ऑयलिंग करना शैम्पू करने के 30 मिनट्स to 1 आवर पहले। हेयर ऑयलिंग से आपकी हेयर की जड़ें मजबूत होगी और शैम्पू से स्वेट, एक्सेस ऑयल एंड बैक्टीरिया क्लीन होगी, और कंडीशनर से आपका हेयर मॉइस्चराइज रहेगा एंड शाइन करेगा। और इसी के साथ वीक में 2 बार से ज्यादा हेयर वैक्स, हेयर सीरम, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज मत करना, और हेयर ड्रायर को भी डेली कोल्ड सेटिंग में यूज करना, हीट सेटिंग में यूज मत करना। हीट सेटिंग से हेयर डैमेज होती है, इसलिए हीट सेटिंग में अगर यूज करना ही है तो वीक में 1 बार से ज्यादा मत करना। और अगर आपको हल्का बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो यूज मिनोक्सिडिल 5%। और इसको कैसे और कितना यूज करना है इस पे आपको हजारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी जिसमें डॉक्टर आपको बता रहे हैं। बट अगर आपका ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा सकते हो या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करा सकते हो। हम लड़कों को अपने हेयर पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर हम लड़कों का मेकअप होता है। बाहरों का नहीं पता, बट इंडिया में तो ये है कि अगर आप टकले हो या आपके हेयर में ज्यादा बाल नहीं है, आपको शादी में दिक्कत आ सकती है, आपको गर्लफ्रेंड बनाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विदाउट हेयर हम लड़के अपने 100% अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। तीसरा टिप है फेशियल फीचर मैक्सिंग। 2 फेशियल फीचर हम लड़कों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है, वो है हमारा जॉ लाइन और हमारा आई। अब जॉ लाइन तो आपकी ऐसे ही शार्प हो जाएगी जब आप 10 to 15% बॉडी फैट परसेंटेज रेंज में आ जाओगे, जब आपकी एब्स विजिबल होने लगेगी। बट अपने जॉ लाइन को और भी ज्यादा शार्प दिखाने के लिए आप बियर्ड का हेल्प ले सकते हो। मतलब आप ना ही ज्यादा लंबे बियर्ड रखना और ना ही ज्यादा शॉर्ट, आप 3 to 5 mm लेंथ पे अपने बियर्ड को रखना, इसे स्टबल बियर्ड कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, स्टबल बियर्ड्स हम लड़कों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। और अपने जॉ मसल को ट्रेन करने के लिए जिम में वर्कआउट करते टाइम च्युइंगम चबाना। अब रही बात आईज की, तो आईज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए
सारा गेम आईब्रो का होता है। घना आईब्रो हमारे आईज को हंटर आई दिखाता है, इसलिए अगर आपके आईब्रो में हेयर कम है, आईब्रो पतली है, तो रात को सोने से पहले मिनोक्सिडिल 5% का एक एक ड्रॉप अपने दोनों आईब्रो पे लगा कर सोना। आप 1-2 महीने में ही देखोगे कि आपकी आईब्रो घनी हो चुकी है। और अपने आईब्रो को शार्प और भी ज्यादा घना दिखाने के लिए अपने आईब्रो को ग्रूम जरूर करना। उसके लिए आप ट्वीजर या 1-ब्लेड ट्रिमर के सहारे अपने यूनिब्रो यानी दोनों आईब्रो के बीच के हेयर को क्लीन करके रखना। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तब सैलून में जाकर थ्रेडिंग भी करवा सकते हो, बट करना जरूर और इसे हर 2 वीक में करना। इससे आपका आईब्रो खूबसूरत दिखेगा और आपका आईज अट्रैक्टिव एंड हंटर आई दिखेगा। 4th टिप है स्किन मैक्सिंग। स्किन मैक्सिंग में भी 2 चीजें कवर होती है, पहला है आपके फेस का स्किन, दूसरा है आपके बॉडी का स्किन। और स्किन मैक्सिंग एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप है लुक्स मैक्सिंग का, क्योंकि फेस पे अगर दाग धब्बे पिंपल्स हो तो लुक्स मैक्सिंग अधूरा है। इसलिए अपने फेस के स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग रखने के लिए दिन में 2 बार फेस वॉश करना अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, फिर फेस वॉश करने के बाद फेस सीरम लगाना। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप नियासिनमाइड फेस सीरम का यूज करना, और अगर आपकी ड्राई टू सेंसिटिव स्किन है तो आप हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम को यूज करना। फिर सीरम के बाद एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज करना, फिर एक SPF 50 सनस्क्रीन लगाना। और अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन को लगाना, और अगर आपकी ड्राई टू सेंसिटिव स्किन है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन को लगाना। और एक चीज, अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तब आप मॉइस्चराइजर वाले पार्ट को स्किप कर देना, नहीं तो आपके फेस में बहुत ज्यादा पसीना आएगा। और इस रूटीन को रात में भी फॉलो करना, बस सनस्क्रीन मत लगाना, उसके जगह आप मॉइस्चराइजर लगाना। और हर स्किन टाइप वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, इन सब की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लिंक पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हो। अब रही बात बॉडी की स्किन की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लड़के अपने फेस को तो एकदम चमका कर रखते हैं, बट जब बात आती है उनके बॉडी की स्किन की तो उसे वो वैसे ही छोड़ देते हैं, जिसके वजह से उनकी स्किन रुकी सुखी एंड फटी फटी सी रहती है, और ये चीज हमें अनअट्रैक्टिव दिखाती है। इसलिए डेली मॉर्निंग में नहाने के बाद अपने पूरे बॉडी पर बॉडी लोशन जरूर लगाना, चाहे समर हो या विंटर। इससे आपके बॉडी की स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और आपके फेस की स्किन की तरह ग्लो करेगी। अब आखिर में 5th लुक्स मैक्सिंग टिप है ड्रेस मैक्सिंग। आपने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा होगा कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, उनका हेयर बहुत अच्छा होता है, मतलब लुक्स में एकदम 10/10। बट जब बात आती है ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग एंड स्टाइल की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह वो अतरंगी कलर्स के कपड़े पहनते हैं, अतरंगी डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, जिसके वजह से वो खुद को छपरी कैटेगरी में डाल देते हैं। इसलिए अतरंगी कलर्स के कपड़े मत पहनना, सटल एंड न्यूट्रल कलर्स के कपड़े पहन। और हम डार्क स्किन लड़कों पर जो कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं वो है कॉफी ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, नेवी, ब्लैक, बेज, डार्क ग्रे एंड डार्क मरून। ये सारे प्रीमियम कलर्स होते हैं। और किस कलर के अपर वेयर के साथ किस कलर का बॉटम वेयर हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ये जानने के लिए आप हमारे इस कलर कॉम्बिनेशन वाले वीडियो को देख सकते हो। और प्रीमियम एंड रॉयल दिखने के लिए आप हमेशा सॉलिड प्लेन एक कलर वाले कपड़े पहनना। तो यही थे वो 5 इजी एंड बेसिक लुक्स मैक्सिंग टिप, जिसपे अगर आप सिर्फ 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंट होकर फोकस कर लोगे तो आपका लुक्स मैक्सिंग होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और लुक्स मैक्सिंग के लिए कपड़ों से लेकर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स तक सबकी परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लिंक पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।